हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट कॉज एनालिसिस के बारे में, और ये हम जानने वाले हैं वाई वाई एनालिसिस, जिसे हम फाइव वाई एनालिसिस भी कहते हैं, उसके थ्रू। और इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल भी लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूट कॉज एनालिसिस यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो रूट कॉज एनालिसिस जो है एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें जो है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रूट कॉज को हम डिस्कवर करते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि उसके लिए जो है हम अप्रोप्राइट क्या सॉल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। तो रूट कॉज एनालिसिस का पहला गोल ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर इवेंट है उसके रूट कॉज को हमें डिस्कवर करना होता है। तो ये इसका पहला गोल होता है। सेकंड गोल ये है कि जो भी रूट कॉजेस है उसके अंदर जो भी इश्यूज है, तो उस इश्यूज को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं, या फिर हम उससे क्या लर्न कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, यह हमें फुल्ली वहां पर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये यहाँ पर इसका सेकंड गोल है। और थर्ड गोल ये है कि जो भी हमने अभी एनालिसिस किया है तो इससे हमने जो भी सीखा है तो उसके ऊपर जो है अभी हमें अप्लाई करना है, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो रूट कॉज है, ये जो इवेंट है, ये दोबारा अभी फ्यूचर में रिपीट ना हो तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ये इसका थर्ड मेन गोल है। तो आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रूट कॉज एनालिसिस यानी कि होता क्या है। चलिए अब जानते हैं वाई वाई एनालिसिस, जिसे हम फाइव वाई एनालिसिस या फिर फाइव डब्ल्यू एनालिसिस भी कहते हैं, उसके बारे में। तो वाई वाई एनालिसिस या फिर फाइव वाई जो एनालिसिस है, ये ऐसा मोस्ट यूजफुल टूल है कि जिसकी मदद से जो है हम रूट कॉज को जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम पूछते हैं वाई ऐसा क्यों हुआ है। और ये हम तब तक पूछते हैं जब तक रूट कॉज तक हम पहुंच नहीं जाते हैं तब तक। तो इस प्रोसेस में जो है हम 5Y का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम जो है वो 5 टाइम्स तक, यानी कि 5 बार जो है हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, वाई ऐसा क्यों हुआ है। और ये हम तब तक पूछते हैं जब तक जो भी रूट कॉज है वो हमें पता नहीं चल जाता है तब तक। यानी कि जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो 5Y एनालिसिस, तो पहले हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, उससे अगर हमें उसका रूट कॉज पता चलता है तो सही है, अदरवाइज हम दोबारा पूछते हैं कि ऐसा भी क्यों हुआ है, फिर वो जो क्वेश्चन का वो आंसर देते हैं तो हम रिपीटेडली दोबारा उसको पूछते हैं कि ऐसा भी क्यों हुआ है। और ये हम 5 टाइम्स तक जो है पूछते हैं जब तक हमें उसका रूट कॉज जो है वो पता नहीं चल जाता है तब तक। तो इसको जो है हम आगे में एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इस वाई वाई एनालिसिस या फिर फाइव वाई एनालिसिस के क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में। तो इसकी मदद से जो है प्रॉब्लम्स के जो भी रूट कॉज है उसको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इसका पहला बेनिफिट है। फिर उसके बाद है कि इसके थ्रू हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक जो प्रोसेस है वो कैसे कारण बनती है चेन ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, यानी कि एक प्रोसेस की वजह से जो है कई सारे जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो वहां पर क्रिएट होते हैं, ऐसी चेन जो है हमें यहाँ पर पता चलती है। फिर उसके बाद है कि इसकी मदद से जो है डिफरेंट जो भी रूट कॉजेस है उसके बीच में क्या रिलेशंस है वो भी हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड इवेल्युएशन टेक्निक्स है रूट कॉज को फाइंड आउट करने का, तो उसके मुकाबले जो है ये हाईली इफेक्टिव है। तो ये जो है ये इसके मेन बेनिफिट्स है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एग्जांपल है कि फ्लोर के ऊपर जो है वो पानी की वजह से जो है वो गड्ढा हो गया है, यानी कि पानी का जो गड्ढा है वो फ्लोर के ऊपर है। तो ये जो है एक ऐसी प्रॉब्लम्स है, अभी हमें इस प्रॉब्लम का क्या रूट कॉज जो है वो फाइंड आउट करना है, वो भी वाई वाई एनालिसिस यानी कि 5Y एनालिसिस का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले जो है आप वहां पर जाकर किसी वर्कर को जो है आप ये सवाल पूछते हो कि पानी का जो गड्ढा है यहाँ पर फ्लोर के ऊपर ये क्यों हुआ है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होता है, पहला वाई होता है। तो उसके ऊपर वो जवाब देता है कि ऊपर का जो पाइप है वो लीकेज हुआ है, जिसके कारण ये हुआ है। फिर उसके आंसर के बाद दोबारा जो है आप पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ है, तो फिर वो आंसर देता है कि पाइप में जो है वाटर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो है ऐसा हुआ है। फिर उसके आंसर के बाद जो है आप तीसरी मर्तबा उससे पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर उसके बाद वो आपको आंसर देता है कि कंट्रोल जो वॉल है वो वहां पर फॉल्टी है। तो इसके ऊपर भी आप जो है आप उसको सवाल पूछते हो कि फॉल्टी वहां पर कंट्रोल वॉल क्यों है, तो उसके ऊपर भी वो आंसर देता है कि कंट्रोल वॉल जो है उसको टेस्टेड नहीं किया जा रहा है।
और फिर ये आंसर के बाद भी जो है आप पांचवी मर्तबा उससे पूछते हो कि ऐसा क्यों है, तो इसके ऊपर भी जो है वो आंसर देता है कि ये जो कंट्रोल वॉल्व का जो मेंटेनेंस है ये मेंटेनेंस शेड्यूल में जो है वो नहीं है, जिसके कारण ये ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इसका रूट कॉज जो है वो पता चलता है कि जो भी मेंटेनेंस शेड्यूल्स है कंट्रोल वॉल्व का, तो वो यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस शेड्यूल में जो है इस कंट्रोल वॉल्व को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर रूट कॉज जो है ये पता चल जाता है। तो हमें जो है यहाँ पर इसका जो रूट कॉज है इसके ऊपर फोकस करना है, यानी कि हमें रेगुलर मेंटेनेंस में जो है इसको लाना है, तभी जो है हम इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है कि आप जो है रेड जो लाइट है यानी कि ट्रैफिक सिग्नल का जो रेड लाइट है उसको आप क्रॉस करते हो और गाड़ी जो है वो तेज भगाते हो, तो आगे में जो है आपको ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो पकड़ लेता है। तो वो आपसे सवाल पूछता है कि आप जो है रेड लाइट को यानी कि सिग्नल को जो है वो क्यों क्रॉस किया और आप जो है इतने तेजी से क्यों गाड़ी चला रहे हो। तो यहाँ पर उसने पहला जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसके ऊपर आप आंसर देते हो कि मुझे जो है काम के लिए लेट हो रहा है इसलिए जो है मैंने सिग्नल को क्रॉस किया है। तो इसके ऊपर जो है वो दोबारा आपको क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया है, तो इसके ऊपर जो है वो आंसर देता है कि मैं सोकर जो है वो लेट उठा था। फिर उसके बाद वो तीसरी मर्तबा पूछता है कि तुम लेट क्यों उठे थे, तो उसके ऊपर वो आंसर देता है कि मेरा जो अलार्म था वो काम नहीं कर रहा था। फिर चौथी मर्तबा जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके ऊपर भी जो है आप आंसर देते हो कि अलार्म की जो बैटरी थी वो डेड हो चुकी थी, वो एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, वो काम नहीं कर रही थी। तो इसके ऊपर भी जो है वो पांचवी मर्तबा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके ऊपर आप आंसर देते हो कि उसकी अलार्म की जो बैटरी है वो मैं चेंज करना भूल गया था, या फिर मैंने उस अलार्म को चेक नहीं किया था। तो यहाँ पर जो है इसका मेन रूट कॉज जो है हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों एग्जांपल के थ्रू जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रूट कॉज को जो है हम इस 5 व्हाई एनालिसिस यानी कि वाई वाई जो एनालिसिस है इसकी मदद से जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा रूट कॉज एनालिसिस के बारे में, जो हमने जाना है वाई वाई एनालिसिस यानी कि 5 व्हाई एनालिसिस के थ्रू। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।